गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट जिम जाने से ना होकर पूजा करने से है, क्योंकि आज ना बहुत सुबह तेज़ वाली बारिश हो रही थी तो जिम में तो जाना हुआ नहीं, सारे लोग घर पे थे। तो मैंने अच्छे से नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने। और जो आप ये फ्लावर देख रहे हो ना गुलहड़ के, ये सारे फ्लावर मेरे गार्डन से आए हैं, जो मैंने आपको दिखाया नहीं था कि रोज़ रोज़ पाँच छः गुलहड़ के फूल निकल रहे हैं, तो ये सारे उन्हीं के हैं। तो यहाँ पे माता जी के और भोले बाबा को सबके आगे फ्लावर दिया है। और सुबह सुबह ना पूजा करने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक अच्छा खासा मेडिटेशन हो जाता है, माइंड रिलैक्स एंड काम हो जाता है, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वे से होती है। और मेरे ना बैकग्राउंड से आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि यार बहुत हैवी रेन हो रही है, उसकी आवाज़ें आ रही है, मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ। और ये है मेरी मंदिर की माता रानी, जो कि बहुत सच्ची हैं, आप इनसे कुछ भी मांगो ट्रस्ट में ज़रूर पूरा होगा। और मेरी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधे इनके पास ही आती हूँ बोलने की, माता जी ऐसी बात है वैसी बात है। और आइए अब चलते हैं तुलसी माता की पूजा करने। वैसे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हर घर में तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है, ये शांति और समृद्धि की देवी होती हैं। और तुलसी हेल्थ के लिए ही बहुत अच्छी होती है, एक तुलसी आपकी कितनी सारी बीमारियों को दूर भगा सकती है। तो अच्छे से सबका थैंक यू कर दिया और घर के नीचे आए थे ये फ्रूट्स वाले बाबा, तो बस इनसे थोड़े से फ्रूट लेने थे हम लोग को। और यहाँ मैं ले रही हूँ बनाना, पर सच बताऊँ मुझे अभी भी फल लेना नहीं आता, मतलब नहीं समझ पाते कि पके हैं या कच्चे हैं। तो मैं ना उनसे ही बोल दे रही हूँ कि बाबा आप ना मुझे पके पके से बनाना देना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो देखो खुद देख रहे हैं कि पके हैं और कितने हैं, तो बस चलिए यहाँ वो ले लेते हैं। बाकी भी घर पे मम्मी लोग ब्रेकफास्ट बना रही हैं और मैं आगे नीचे। और आजकल ना जैसे सर्दी आ रही है तो कश्मीरी सेब बहुत आ रहे हैं, तो मौसम के अकॉर्डिंग सेब के प्राइस थोड़े से डाउन हो गए हैं। तो चलो बाबा को उनके पैसे दे देते हैं और केला लेके चलते हैं ऊपर। तब तक का नाश्ता ही बन गया था और नाश्ते में अगेन पोहे और काले चने बने। मुझे ना काले चने ये वाले बहुत पसंद है, मेरे टिफ़िन पे मम्मा बहुत दिया करती थी। और ये है खाटू श्याम जी और बालाजी सरकार का प्रसाद, आप लोग भी ग्रहण कर लो, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर करें। सो फ्रेंड, मैं घर आ चुकी हूँ, नंसी भी आ चुकी है, अभी हमने खाना नहीं खाया है और हम लोग ने बहुत सही टाइम पे आए हैं क्योंकि बारिश हो रही है तेज वाली, है ना। और हम लोग आज जस्ट जैसे हम लोग आए हैं ना, तेज वाली बारिश हो रही है, हम अपनी छज्जे से देख रहे हैं। और खाना ना अभी खाएंगे आराम से, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही हो गया था 10:30 बजे, तो 10 बजे ब्रेकफास्ट मेरा हुआ था तो थोड़ा पेट भरा हुआ है, खाएंगे अभी थोड़ी देर रुक के। और नैन्सी बहुत आज तुम लेट आई हो, आज इसकी क्लास थोड़ी लंबी चल रही थी, थोड़ा लेट आई है, हम आ गए थे जल्दी। और अच्छा कल का वीडियो अब एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद फिर खाना खाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज खाने में बना था ये लौकी की सब्जी और रोटी बनी थी मेरे लिए वही वाली बाजरे वाली, पर मुझे ना नैन्सी के पराठे बनाते बनाते मेरा भी मन हो गया कि मुझे भी पराठे खाने हैं। और लंच करने के बाद आ गए हैं छत पे, ये है अजवाइन के पौधे जो कि काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं ना, मौसम देख रहे हो, हवा सुन रहे हो, मैं आवाज़ यहाँ म्यूट नहीं करी है। आप लोग भी ना मेरी तरह फ़ील करिए जैसे मैंने फ़ील किया था कि जब मौसम की हवाएं चलती हैं तो कैसा लगता है, तो आप लोग भी यहाँ फ़ील कीजिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है, उसके बाद ये मस्त मस्त ही हवा चल रही है। तो मैं आई थी छत पे और खाना वैसे मैंने जैसे खाया था उसके 30 मिनट के बाद मैं आ गई थी, और धूप उप तो थी नहीं, मौसम अच्छा था, तो मेरा मन हुआ चलो चलते हैं थोड़े से प्लांट को देख के आते हैं। और ये है करी लीव का पौधा, इसकी पत्तियाँ देखो यार, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा हवा कैसी है। और बिल्कुल ही पानी नहीं दिया गया है, अब सारे जो प्लांटर है उसमें अच्छे से पानी भर गया है। तो थोड़ी देर मैं छत पे रुकी और फिर शाम को जब नीचे आई तो बनाया है अपने लिए गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि यार ठंड हल्की हल्की फील होने लगी है। और यहाँ मैंने मखाने को रोस्ट किए हैं अवन में,
तो बस मैं इसे खाऊंगी और कॉफ़ी पीऊंगी। और मौसम अच्छा था तो भैया आज ऑफिस से आते समय लाए थे ये गरम गरम समोसा और चटनी। चटनी रेड वाली भी थी पर ग्रीन वाली सब ज़्यादा खाते हैं, तो आइए आप लोग भी आके समोसे खा लीजिए। और हमारे घर पे तो सबको समोसे बहुत पसंद है और मानसून में समोसे या फ्राइड की बात ही अलग होती है, पर सबसे ज़्यादा हेल्थ को यही बिगाड़ती हैं। तो खाना चाहिए, हर चीज़ का एंजॉय करना चाहिए पर एक क्वांटिटी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 8 बज रहे होंगे और सारे काम ख़त्म हो गए हैं। कपड़े की मशीन लगी है, बर्तन धुल चुके हैं, खाना बन चुका। खाने में आज बहुत कुछ नहीं था, सुबह की लौकी की सब्जी रखी हुई है क्योंकि भैया और मम्मी घर पे थे नहीं तो वो खाई नहीं गई, तो वो रखी है। और बाकी दूध से खाएंगे, मेरे घर पे ना लोगों को दूध और रोटी बहुत पसंद है इवनिंग में, तो वो खाएंगे। और मेरा कुछ खाने का मन नहीं था तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए ये गर्मा गर्म मिल्क, बस इसे पीऊँगी यहाँ बैठ के। थोड़ी स्टडी करनी है, वो करूँगी, अपनी कोचिंग का काम करूँगी। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ कल किसी न्यू इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय।